प्यारे बच्चों नमस्कार। पीछे हम पढ़ रहे थे वीडियो में, भिन्नों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भिन्नों के छोटे छोटे जोड़ हमने किए उस समय। अब हम थोड़े बड़े जोड़ और घटाव दोनों को मिक्स करके करेंगे। देखें तो 3/5 माइनस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/5 माइनस 7/3 3/7। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक तो 5 है, उसके बाद 2 है, 4 है और 7 है। तो 7 और 5 का लघुत्तम लेना होता तब तो अभाज्य संख्या थी ये 7, 5 और 2, तब तो हम इनका गुणा कर देते और लघुत्तम आ जाता। लेकिन बीच में क्या आ गया है हमारे पास, 4 एक भाज्य संख्या आ गई, इसलिए हमें इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। जोड़ और घटाव में, जोड़ हो या घटाव का निशान हो बीच में भिन्नों के, तो हमें लघुत्तम लेकर ही क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो देखिए 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। इतनी संख्याएं हैं हमारे पास, 2, 4, 5, 7। 5 को 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है 5 में, नहीं जा रहा, 5 ही आ जाएगा। 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा, 2 का भाग 4 में दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 का भाग 7 में नहीं जा रहा, 7 ही आ जाएगा। ये हम निकाल रहे हैं एलसीएम, यानी जिसको बोलते हैं लघुत्तम। अब फिर से 2 का भाग जा रहा है, ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। अब देखिए 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 5 का भाग जा रहा है 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, 1 और 7 आ जाएगा, और अब 7 का जा रहा है। 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा, जैसे 5 में 5 का भाग देने पर 1 ही आया है। अब ये जो संख्याएं हैं हमारे पास, इनका गुणा करेंगे वही एलसीएम होगा। तो 2 × 2 × 5 × 7, सारी अभाज्य हैं, देख लीजिए। अभाज्य संख्या का ही भाग देना होता है, बाकी 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, इस प्रकार की संख्याओं का भाग नहीं देना जो भाज्य हो, केवल भाग अभाज्य संख्याओं का ही दिया जाएगा। तो 7 × 5 = 35, 35 × 70, 70 × 140, यानी लघुत्तम आ रहा है हमारे पास 140। 7 का 5 से गुणा करें 35, 35 का 2 से गुणा करें 70 और 70 को 2 से गुणा करें 140। 140 में भाग देना है 5 का, 140 में 5 का भाग दें, 5 × 10 बच गए 4, 0 और 5, 8, 40 28 आ गया, भागफल 28 आ गया जब इसका भाग इसमें दिया। तो अब 28 को ऊपर 3 से करना पड़ेगा गुणा, 3 × 28 माइनस 2 का भाग 140 में दें, 2 × 7 = 14, 0 ऊपर से उतारेंगे, ऊपर से उतारने पर भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटेगी 0। 70 का गुणा 1 से, फिर प्लस, फिर आगे 4 का भाग 140 में देंगे तो 4 × 3 = 12, 5 × 4 = 20, ये आ जाएगा 35। अब 35 का गुणा करना ऊपर 3 से, फिर आगे प्लस। ये जो निशान हैं ये लगते रहेंगे, ये माइनस आ गया यहाँ, फिर ये प्लस आ गया यहाँ, फिर ये प्लस आ गया यहाँ, 2 2 का गुणा होगा, फिर जो निशान है वो लगते रहेंगे। फिर 7 का भाग देना है
चार का दे दिया, पाँच का भाग देना 140 में, तो पाँच का पहले भी दिया था 28 आया है। पाँच का भाग दोबारा देने की ज़रूरत ही क्या है, दिया हुआ है। पाँच का भाग देंगे 28 आएगा, 28 को एक से गुणा कर देंगे, माइनस सात का भाग देंगे 140 में, सात दूनी 14, जीरो ऊपर से आई, भाग टूटेगी जीरो, 20 आ गया, 20 को तीन से गुणा कर देंगे, अब देखें अट्ठाईस को तीन से गुणा कर दें, आठ तीय 24, असल लगी दो, तीन दून छः दो आठ, 28 तीय 84, माइनस 70 एकन 70, 35 तीय 105, 28 एकन 28 और 20 तीय 60, बटे में आ गया 140। अब देखिए जिसके आगे किसी का निशान नहीं है वो प्लस की संख्या है, और जिसके आगे प्लस का निशान है वो प्लस की संख्या है, तो एक प्लस की संख्या तो ये हो गई क्योंकि इसके आगे किसी का निशान नहीं है, एक प्लस की संख्या ये हो गई क्योंकि इसके आगे प्लस का निशान है, और एक प्लस की संख्या ये हो गई क्योंकि इसके आगे भी प्लस का निशान है। तो प्लस की तीन संख्याएं हो गई, एक दो तीन, तीनों जुड़ेंगी 84, 105 और 28, आठ पाँच 13, 13 चार 17 का 70, असल लगी एक, आठ दो दस अरे 11, असल लगी एक, एक और एक दो, ये हो गया 217। 217 तो आ गया प्लस का। अब दो संख्याएं माइनस की हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों के आगे माइनस के निशान हैं, आगे के निशान से ही संख्या की पहचान होती है, आगे माइनस है तो संख्या माइनस की है, आगे प्लस है तो संख्या प्लस की है, आगे किसी का भी निशान नहीं है तो भी संख्या प्लस की मानी जाती है। अब 70 और 60, माइनस का ही 70 है, माइनस का ही 60 है, 6 7 13, माइनस का 130 हो गया। माइनस माइनस यहाँ जोड़ते समय प्लस नहीं होता, गुणा करते समय माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ते समय माइनस 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 ही रहता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कई बार कि गुणा के अंदर निशान अलग होते हैं, गुणा में चिन्ह अलग होते हैं, गुणा में तो ऐसे चलते हैं चिन्ह, लेकिन जोड़ में माइनस और माइनस माइनस ही होता है, जोड़ करना पड़ता है। प्लस और माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, और घटाव होता है, प्लस और प्लस प्लस आता है, जोड़ होता है, और एक बच गया माइनस प्लस, उसमें यही सिस्टम होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, घटाव करना होता है। तो इस प्रकार से जोड़ के अलग निशान होते हैं, गुणा के अलग निशान होते हैं, या माइनस माइनस का जोड़ होगा क्योंकि यहाँ पर हम जोड़ और घटाव कर रहे हैं, तो माइनस माइनस की दोनों संख्याएं जुड़ेंगी, माइनस के 130 आएंगे न कि प्लस के, बटे में 140। 217 में से 130 घटा दें, ये 7, 11 में से 3 गए 8,
और प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस के 87 बचेंगे। यही मैंने बताया है कि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या प्लस के 217 थे हमारे पास, माइनस के 130 थे, तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 87 बच जाएंगे। तो ये आगे प्लस के 87 बटे में आ गया 140। इस प्रकार से चाहे प्रश्न बड़े हों चाहे छोटे हों, करने का तरीका एक ही है कि नीचे वालों का लघुत्तम लिया जाएगा, लघुत्तम में हर का भाग देना होता है और जो भागफल आता है उसका अंश के साथ गुणा करना होता है। जैसे 5 का भाग 140 में दिया, 28 आ गया, 28 का गुणा ऊपर 3 से कर दिया तो 84 आ गया। फिर जैसे 2 का भाग 140 में दिया तो 70 आ गया, 70 को ऊपर 1 से गुणा कर दिया तो 70 आ गया। निशान माइनस का था तो माइनस का आ गया, ये प्लस की है तो प्लस की हो गई। फिर 4 का भाग 140 में दिया तो 35 आ गया, 35 का ऊपर 3 से गुणा कर दिया तो 105 आ गया। फिर 5 का भाग फिर से दें तो वही 28 आना है, 28 का गुणा ऊपर 1 से कर दिया तो 28 आ गया। और ये 7 का भाग दिया 140 में तो फिर 20 आ गया, 20 को 3 से गुणा कर दिया तो 60 आ गया। अब प्लस की संख्याएं एक तरफ जुड़ गई, माइनस की एक तरफ जुड़ गई, प्लस माइनस का घटाव हो गया। इस प्रकार से हम कोई भी सवाल भिन्न का हो उसको जोड़ और घटाव को हम हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम मिश्र भिन्नों के जोड़ और घटाव। दो से एक बटे दो प्लस तीन से एक बटे पाँच, जैसे इनका जोड़ करना है, ये कहलाती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्नों के जोड़ या घटाव। तो यहाँ पे प्लस का निशान है, जोड़ करना है। सबसे पहला काम तो ये है कि मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलें। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना, ये सीखें सबसे पहले। तो ये सीखें तो देखिए कैसे बदली जाती है कि नीचे वाले का गुणा किया जाता है गुणांक के साथ आगे, दो दुनी चार, दो दुनी चार जो आ गया उसमें ऊपर वाला एक जोड़ना है, इसका इसके साथ गुणा, दो दुनी चार, ऊपर वाला एक जोड़ दिया, कितना बन गया 5। ऊपर तो आ जाएगा 5 और नीचे जो है हर में वो ही आ जाएगा 2। इसका इसके साथ गुणा, दो दुनी चार, ऊपर वाला जोड़ दिया 1, 5 बटे में 2। अगर वापिस इसको इसमें बदलना हो तो देखिए 5 बटे 2 को अगर वापिस आपको मिश्र भिन्न में बदलना हो तो 2 का भाग दें 5 में, 2 दुनी 4 बच गया 1, जो शेष फल बचता है वो ऊपर जाएगा, जिसका हम भाग दे रहे हैं वो नीचे आएगा, 2 से 1 बटा 2। तो मैंने आपको बताया मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में या सीधी भिन्न में बदलना 5 बटे 2, और 5 बटे 2 से वापिस आपको मिश्र भिन्न बनाना। अब देखिए आगे प्लस 3 5 15 इस तक गुणा करें तो 3 5 15 एक जुड़ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 5। आगे सवाल करने का तरीका वही रहेगा क्योंकि अब सेम टू सेम पहले वाले की तरह ही क्वेश्चन है। नीचे देखिए दोनों के बटा में अभाज्य संख्या है, अगर लघुत्तम लेना है तो ज़्यादा जरूरत नहीं, दोनों का गुणा हो जाएगा 2 गुणा 5, 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो 2 कट जाएगा, बचेगा 5, 5 का गुणा ऊपर 5 से हो जाएगा, प्लस 5 का भाग लगाएंगे 5 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 को 16 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 16। अब ये तो आ गया 5 5 25, ये आ गया 16 दूनी 32, बटे में आ गया 5 दूनी 10,
अब इनको जोड़ दें, 5 और 2 7, 3 और 2 5, बटे में आ गया 10। अब दें उत्तर, अगर उत्तर देना हो मिश्र भिन्न में तो कैसे देंगे? 57 में 10 का भाग, 10 5 50, बच गए 7। 7 में भाग नहीं जा रहा है, ऊपर कोई अक्षर नहीं है उतारने वाला, तो ये 7 तो ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। अगर मिश्र भिन्न में उत्तर देना है तो 5 सही 7/10 आ जाएगा। अगर दशमलव भिन्न में उत्तर देना हो, अगर इसी सवाल का उत्तर दशमलव भिन्न में देना हो तो यहाँ 0 आ जाएगी, दशमलव टने की यहाँ 0, दशमलव लगाने के बाद 10 7 70, ये आ जाएगा 5.7। तो इस प्रकार से ये दशमलव भिन्न का उत्तर हो गया। मिश्र भिन्न का उत्तर निकालेंगे तो 5 सही 7/10 ये हो गया, और सीधा उत्तर दें तो 57/10 हो गया। आगे देखें, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मिश्र भिन्न को आप साधारण भिन्न में या सरल भिन्न में नहीं बदलें तो हम ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए, 2 + 1/2, 3 + 1/5, अलग अलग करके, 2 से 1/2 है ना, तो ये 2.5 है, ये आधा है, ये 2 है, 2.5 है। ये 3 से 1/5 है, तो 3 पूरा है और ये 1 का 5वां हिस्सा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 पूरा आधा 2.5 3 पूरा और 1 का 5वां हिस्सा, सबको जोड़ें तो 2 और 3 इसका जोड़ हो गया 5 + ये 1/2, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/5। अब 2 का 5 का 1 का लघुत्तम लेना है, अभाज्य संख्या है, गुणा हो जाएगा 2 × 5, 1 का भाग तो सब में जाता है, 1 का भाग 2 × 5 में दें तो 2 × 5 ही आएगा और इसको 5 से गुणा करना है, तो 5 × 2 × 5, 2 का भाग दें 2 कट जाएगा, बचेगा 5, 5 को 1 से गुणा करें तो 5, पाँच का भाग दें 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 1 से गुणा करें तो 1 × 2, ये आ गया 5 5 25 25 × 50, 5 1 5 और 2 1 2 और बटे में आ गया 10, ये आ गया 50 5 55 2 57 बटे में 10, 57/10 ही वैसे आया था, 57/10 ही ऐसे भी आया है। 57 में 10 का भाग दें, 10 5 50, बच गए 7, 7/10 ऐसे हो सकता है। बाकी हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पांच का 5 + में रख लें, इसका लघुत्तम ले लें 10, 2 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 को 1 से गुणा करें, 5 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करें, 5 + 5 1 5 + 2 1 2 बटे में 10, 5 + 7/10 या 5 सही 7/10, ऐसे भी इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। तो 2-3 प्रकार से आपको बता दिया इसको करना, किसी भी प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। देखें, तीन से 1/5 + 1 से 1/2 -1 से 3/4, मोटा मोटी आपको ज्ञान होना चाहिए। ये आधा होता है,
ये एक चौथाई होता है और ये तीन चौथाई होता है, ये आधा, ये आधे में से आधा और ये पूर्णा। पॉइंटों में लें तो एक बटा दो 0.50 पचास पैसे होता है, ये रुपए के हिसाब से देखें तो ये 25 पैसे होता है और ये 75 पैसे होता है 100 में से। परसेंट देखें ये 50% होता है, ये 25% होता है, ये 75% होता है। अब देखिए इन दोनों का जोड़ और ये घटाओ, एक साथ करें तो 3 का 5 से गुणा 3 5 15 और 1 16 बटे में 5। मिश्र बिन को सरल बिन में बदलें, 2 एकन 2 और 1 3 बटे में 2, 4 एकन 4 और 3 7 बटे में 4। अब लेना है लघुत्तम, तो इनका तो लेना होता तो 5 गुणे 10 सीधे ही आ जाता, लेकिन 10 में 4 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये तो भाज्य संख्या है, तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। 5 का 2 का और 4 का, 2 का भाग जा रहा है, 5 का 5 2 एकन 2 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है 5 1 1 और फिर 5 का जा रहा है 1 1 1, 5 दूनी 10 10 दूनी 20। अब 5 का भाग 20 में दें तो 4 5 20 4 आ जाएगा, 4 का गुणा कर दें 16 से प्लस 2 का भाग 20 में दें तो 10 दूनी 20 10 आएगा 10 गुणा 3, फिर माइनस 20 में 4 का भाग दें तो 4 5 20 5 गुणा 7। इस प्रकार से पहले नीचे वाले का भाग देना है फिर ऊपर वाले से गुणा करना है, भाग फल आएगा उसको। देखें तो 16 चौके 64, 10 3 30, 7 5 35 बटे में 20। अब देखिए 64 और 30 94 माइनस 35 बटे में 20, 14 में से 5 गए 9 और 8 में से 3 गए 5 और बटे में 20। अब ये आपके पास विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में हम बदलेंगे, 59 बटे में 20, 7 दूनी 14, 20 दूनी 40, बच गए 19, 19 ऊपर 30 नीचे, यानी 2 सही 19 बटे 20 उत्तर आ जाएगा। देखिए इसी सवाल को हम जोड़ और घटाओ में कोई फर्क नहीं है, घटाओ का निशान है तो ये घट जाएगा बाद में, ये जुड़ जाएंगे, ये माइनस वाला घट जाएगा। इसी सवाल को हम सीधे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये 3 और 1 4, ये 4 तो हो गया प्लस का, प्लस और ये 1 है माइनस का, 3 और 1 4 हो गया प्लस का, 1 है माइनस का, फिर आगे 1/5 + 1/2 - 3/4, ये बच जाएगा हमारे पास 3 प्लस, इनका लघुत्तम लें तो 2 का 5 का 4 का लघुत्तम हमने लिया 5 दूनी 10 10 दूनी 20। 20 के अंदर 5 का भाग दें तो 4 आएंगे, भागफल जो 4 आया उसका ऊपर 1 से गुणा कर दें तो 4 एकन
चार आएगा। फिर दो का भाग बीस में दें, दस दूनी बीस दस आएगा, दस का गुणा एक से करें तो दस एकम दस आएगा। फिर माइनस चार का भाग बीस में दें तो पाँच आएगा, और पाँच का भाग गुणा करें तीन से तो पाँच तीय पंद्रह आएगा। ये तीन माइनस ये बचा चौदह प्लस का, पंद्रह माइनस का बटे में बीस। ये तीन प्लस ये माइनस का एक बच गया ऊपर, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा और नीचे आ गया बीस। अब देखिए लघुत्तम आ गया बीस, बीस तीय साठ, माइनस बीस में बीस का भाग दें एक, एक को गुणा करें एक, इसके बटा में कुछ नहीं है ना, जब कुछ नहीं होगा तो लघुत्तम का सीधा गुणा हो जाएगा। बीस तीय साठ, साठ में से एक गया उनसठ, बटे में आ गया बीस, वही उत्तर आएगा सेम। उनसठ में जब बीस का भाग देंगे तो बीस दूनी चालीस, बच गए उन्नीस, उन्नीस ऊपर और बीस नीचे, दो से उन्नीस बटे बीस ऐसे आया है, दो से उन्नीस बटे बीस ही वैसे आया था। तो इस प्रकार से हम मिश्र भिन्न के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम हल कर सकते हैं।